नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में, और मेरा ऐसा मानना भी है कि हर भारतीय को कम से कम भारत का संविधान जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है और हर भारतीय अगर संविधान के प्रति जागरूक हो जाता है तो आप यकीन मानिए कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो सकता है। आप भी देखते होंगे कि आपको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में मालूम नहीं होगा, आपको अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में मालूम नहीं होगा, आपके देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में कई लोगों को मालूम नहीं होगा। और हम लोग, आपने देखा होगा कि हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है आंदोलन करने का, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जब आंदोलन करते हैं तो हम लोग सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ने लगते हैं, आग लगाने लगते हैं, क्योंकि आपको अपने मौलिक कर्तव्य मालूम नहीं होते हैं। और मुझे लगता है कि भारत के संविधान को सभी तक पहुंचाना हमारा और आपका कर्तव्य भी है। और आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने संविधान का भाग एक पढ़ा हुआ था, और जिसमें हम लोगों ने संघ और इसके जो राज्य क्षेत्र हैं उस पर विस्तार से बात की हुई थी, और भारत के संविधान के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसी में सभी आपको क्लासें मिलती रहेगी। आज हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान का जो भाग दो है, जिसमें आप देखते हैं कि नागरिकता की बात होती है। और याद रखिए, नागरिकता हमारे देश में एक ही तरह की होती है। आप लोग देखेंगे कि आप किसी राज्य के निवासी हो सकते हैं लेकिन नागरिक नहीं हो सकते हैं, यानी कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, डबल की नहीं, दोहरी नागरिकता नहीं है हमारे यहाँ, समझ रहे हैं आप लोग। और आप लोग संविधान का भाग दो और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ते होंगे तो आप सभी को मालूम भी होगा कि आपके जो मौलिक क्या है, आपकी जो नागरिकता है, इसी की बात की गई है। और अगर आप लोग नागरिक होते हैं तो आप देखेंगे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, ये सभी अधिकार आपको प्राप्त होते हैं हर भारतीय को। आप चुनाव लड़ सकते हैं, समझ रहे हैं, आप वोट डाल सकते हैं। और संविधान के भाग दो में आपको जो नागरिकों की पहचान के मापदंड है ना, इसे निर्धारित किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर आप लोग भारतीय नागरिकता के कुछ विशेष लक्षण की बात करें तो एक बार पहले भारत को देखिए। आप लोग देखिए, हमारा प्यारा भारत, इसके अंदर रहने वाले लोगों की बात हो रही है, ठीक है, जो नागरिक है। तो आप देखेंगे कि एकल नागरिकता की व्यवस्था आप सभी जानते हैं कि हमारे की गई है, लेकिन हमारा संविधान परिसंघीय है और फिर भी इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, यानी कि भारत की नागरिकता। और अगर आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका जाएंगे, यूएसए या स्विट्जरलैंड, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ परिसंघीय संविधान है, लेकिन यहाँ दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई, हर व्यक्ति की संघ की नागरिकता होगी और राज्य की नागरिकता होगी, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और नागरिकता आप सभी को मालूम होगा कि संघीय विषय है। आप लोग संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़ते होंगे, 3 तरह की अनुसूची आप लोग सूची पढ़ते होंगे, उसमें संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। आप सभी जानते हैं कि संघ सूची पर आपकी केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें, और संवर्ती सूची पर दोनों सरकारें काम एक तरह से कानून बना सकती हैं, काम कर सकती है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर दोनों में विरोध है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछता है इंटरव्यू में, कहीं भी अगर पूछता है कि नागरिकता किस सूची का विषय है, तो याद रखिए संघीय विषय है नागरिकता। और इसका कहने का मतलब है कि आप देखिए कि राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई कार्य करने का अधिकार नहीं है। किस पर? नागरिकता के बारे में बात करें। और इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई अधिनियम आता है, संशोधन होता है, तो केंद्र में ही होता है, संसद में ही होता है। इस पर अभी आपने 2019 में भी देखा होगा, उसके बाद आपने देखा भारी विरोध भी किया गया उसका। और नागरिकता के संबंध में नियम बनाने, उन्हें संचालित करने का अधिकार केवल हमारी जो केंद्रीय संसद है ना, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन्हीं के पास होता है। और आप देखेंगे कि जब कोई अधिनियम आता है तो पहले वो राज्यसभा लोकसभा में आता है, प्रस्ताव के रूप में होता है। जब लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की अंतिम मुहर लग जाती है, सहमति मिल जाती है, वो आपका कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, तो ये फिर प्रोसेस चलती रहती है। और नागरिकता के संबंध में उदार हमारे यहाँ दृष्टिकोण भी रखा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर आप लोग देखें तो नागरिकता प्रदान करने के संबंध में जन्म के सिद्धांत और वंश के सिद्धांत दोनों को ही अपनाया गया है। अगर भारत में जन्मे हैं तो आप देखिए तब भी, और आपके वंश का किसी व्यक्ति का संबंध भारत से है, तब भी आप लोग नागरिक हो सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे संसद ने, हमारी संसद ने
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया हुआ है, जिसे बाद में 1986 में संशोधन भी किया गया था, 2005 में भी संशोधन किया गया था। समय समय पर इस तरह के संशोधन होते रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 की बात करें तो इसमें व्यवस्था की गई थी कि इस देश में जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी जब इसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक होगा। अब आप सोचिए कि कोई विदेशी भारत घूमने आया हुआ है, अगर उसका जन्म भारत में हो जाता है तो क्या वो भारतीय नागरिक होगा? बिल्कुल नहीं। अगर उसके माता पिता में से किसी का संबंध भारत से नहीं है तो वो नागरिक नहीं समझा जाएगा, ठीक है। और वंश और रक्त के सिद्धांत को भी अपनाया गया है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए, जब हमारा संविधान लागू होता है, और यहाँ आप लोगों को तीन डेट बता देते हैं क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो 15 अगस्त 1947 आता है, एक आप देखते हैं 26 जनवरी 1950, एक 26 नवंबर 1949। तो आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आपको आजादी मिली, तो आप लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को मना लेते हैं। वही 26 नवंबर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि संविधान लागू हो चुका था कुछ प्रावधान इसके, और आप देखेंगे जिसमें नागरिकता भी था। नागरिकता आपका 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुकी थी, ठीक है। आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक आप लोग देखेंगे, 9 तक, ये आपके 26 नवंबर को ही लागू हो चुके थे। और 26 नवंबर को आप जानते हैं कि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कई संस्थाओं का जन्म हो चुका था 26 जनवरी को, और पूरी तरह से आप जानते हैं कि संविधान लागू हो चुका था, तो ये आप लोग मालूम याद रखिएगा। और इसमें आप देखें 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था, और नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद थे 5 से लेकर 9 तक ये उसी समय लागू कर दिए गए थे। और इसके पहले भारतीय नागरिकों को कोई संकल्पना विद्वान नहीं थी भारतीय। आप सभी जानते हैं कि 1947 के पहले हम लोग अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे, यानी कि ब्रिटिश राज था हमारे ऊपर, हम लोग गुलाम थे। और उस समय आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे लोग ब्रिटिश भारत में रहते थे, यानी कि इस पूरे भारत को आप देखिए कि ब्रिटिश भारत कहते थे, जो पाकिस्तान का हिस्सा है और बांग्लादेश का, ये भी आप देखिए कि उन्हीं के अंडर में आता था, ठीक है। और इसमें जो भी आप देखिए क्राउन के अधीन थे हम लोग, और इस प्रकार ब्रिटिश प्रजा समझा जाता था हमें, भारतीय नहीं ब्रिटिश प्रजा, यानी कि हम लोग ब्रिटिश की प्रजा है, अंग्रेजों की एक तरह से उन्हीं के अंडर में है। और उस समय आप देखेंगे ब्रिटिश राष्ट्रीयता का कानून, और जो लोग देसी रियासतों में रहते थे उन्हें ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों का दर्जा भी प्राप्त था। और भारतीय संविधान के 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है, और संविधान निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, जैसे जन्मजात नागरिक, शरणार्थी नागरिक, या विदेशों में रहने वाले भारतीय। यानी कि जन्मजात, तो कहने का मतलब है कि भारत के अंडर में अगर किसी का जन्म हो रहा है, उसके माता पिता का संबंध भारत से है, तो भारतीय नागरिक समझा जाएगा। और शरणार्थी कहने का मतलब है कि आप देखिए कि बांग्लादेश से हमारे भारत में आ जाते हैं, उन्हें भी हम लोग नागरिकता दे देते हैं। या फिर आप देखिए विदेश में रह रहे हैं, कई लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी नागरिकता की बात की गई है, ठीक है। और अनुच्छेद अगर 5 से लेकर 8 के अंतर्गत देखें तो विदेश उस व्यक्ति को नागरिकता दी गई है जो संविधान की प्रारंभ समय निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें पहली शर्त यही रखी गई है कि भारत का अधिवास तथा भारत में जन्मा भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी। यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए भारत में ही निवास करते थे, जब अंग्रेजों के शासन में आप देखिए कि उसके बाद हमें आजादी मिलती है तो इस सभी क्षेत्र में लोग रहते थे, और इनका अधिकांश लोगों का जन्म आप देखिए कि भारत में ही हुआ था, तो इन्हें भारत का नागरिक समझा गया था। और एक शब्द का यहाँ उल्लेख किया गया है, अधिवास का या आदिवासी का। तो अधिवास का मतलब होता है किसी देश की नागरिकता के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड समझा जाता है। हालांकि भारत के संविधान में इस शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी अधिवास का अर्थ है सामान्य व्यक्ति के उस आवास से होता है जहां वह स्थायी आधार पर रहने का इरादा रखता हो, उसे रहने की वह इरादा हो उसका कि स्थायी रूप से हम यही रहेंगे। कोई व्यक्ति जन्म या आवास के आधार पर अधिवास को बदल सकता है, इसके लिए वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने इस इरादे की घोषणा कर सकता है कि वह किसी अन्य देश में अनिश्चित काल तक रहना चाहता है, उसकी नागरिकता भी खत्म हो सकती है। और नागरिकता का पता अधिवास से चलता है, ना कि अधिवास का नागरिकता से, भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और दूसरी अगर हम लोग इसमें शर्त की बात करें तो आप देखेंगे आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु इस जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था, उसे भी आप देखिए भारत का नागरिक तब मिल सकती है। आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु जो 5 वर्ष के से अधिक समय से भारत में सामान्यतः निवासी रहा हो, उसे भी भारत का नागरिक बन सकता है।
भारत का निवासी किंतु जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और बाद में पुनर्वास अनुज्ञा लेकर यानी कि अनुमति लेकर भारत लौट आया। यानी कि कहने का मतलब है कि 1947 में आपको आजादी मिल गई, उसके बाद लोग बाहर यहाँ जाने लगे, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था तो पाकिस्तान चले गए और बाद में वो भारत आने की इच्छा अनुमति ले ली उन्होंने, तो उन्हीं की बात की जा रही है, उन्हें भी भारत का नागरिक हो सकते हैं। पाकिस्तान का निवासी किंतु जो आप सभी जानते हैं कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था अथवा जो उस तारीख के बाद आया और 6 महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा था और जिसने विहित ढंग से पंजीकरण करा लिया, पंजीकरण के द्वारा भी तो आप लोग नागरिकता हासिल कर सकते हैं ना, उसी की बात हो रही है। भारत के रहने वाला जिसके माता पिता में से कोई या पितामह या पितामही या फिर आप देखिए मातामह या मातामही में से कोई भारत में जन्मा हो वो भी भारत की नागरिकता ले सकता है, ठीक है। और संविधानिक उपबंधों की बात करें तो आप लोग जो संविधान का भाग 2 देखेंगे और इसमें खासकर आप लोग आर्टिकल देखेंगे 5 से लेकर 11 तक, ये आपकी नागरिकता से संबंधित बात की गई है। इसमें आप लोग देखिए पहला 5वां अनुच्छेद देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जब संविधान लागू हुआ तभी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो यानी कि वो रह रहा हो उसे नागरिक समझा जाएगा। जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या फिर जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो भारत का नागरिक होगा। ये संविधान लागू हुआ उस समय की बात हो रही है, ठीक है। फिर आप देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 6 यानी कि आर्टिकल 6 यानी कि 6, ये कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि आप देखिए कि पहले पाकिस्तान में इनका एक बंटवारा हो जाता है तो वहां चले जाते हैं लेकिन बाद में वो भारत में आने की एक तरह से इच्छा रखते हैं। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है और भारत के राज्य क्षेत्र को आना चाहता है प्रव्रजन किया इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसमें आप देखिए वह यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या फिर पितामही या मातामह या मातामही में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था वो भी एक तरह से भारत का नागरिक समझा जाएगा। और इसमें आप देखिए जबकि वह व्यक्ति ऐसा जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो या फिर जबकि वह व्यक्ति ऐसा जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है कि यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित रूप से और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसी अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो इस प्रकार की रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे 6 महीने तक भारत में रहना होगा, उसकी बात की जा रही है। अब देखिए आप लोग अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात हो गई है। अब आप चलते हैं आर्टिकल 7 की तरफ, यानी कि अनुच्छेद 7 की तरफ, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की, यानी कि जो पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता अगर वो भारत में आना चाहे तो उनकी बात की जा रही है। तो अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया और भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अगर आप देखिए कि वो भारत से चला गया तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया जो पुनर्वास के लिए स्थायी रूप से लौटने की किसी विधि के प्राधिकार द्वारा उसके अधीन दी गई है। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 की खंड खा के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है, ठीक है। तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 7 में। फिर आता है अनुच्छेद 8, ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात की गई है, यानी कि इंडियन ओरिजिन की बात हो रही है। उद्भव, भारत के जो बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात कौन करता है? आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता में से कोई, अथवा पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल मूल रूप से मैं यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश के मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारतीय डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित रूप से रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां तत्त्व समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसिल प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक और कौंसिल प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है, तो वो भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। फिर आपका आता है अनुच्छेद 9, क्या कह रहा है? ये विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना रहना। यानी अनुच्छेद 9 क्या कहता है? आर्टिकल ये कहता है, मान लीजिए आप लोगों ने कहीं दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तब क्या होगा आपकी नागरिकता का? तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अपनी मर्जी से अर्जित कर ली है, ले ली है, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। फिर आप कहता है अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकार का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस बात के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाया जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। यानी कि आप देखते हैं कि कई लोग बाहर बने रहते हैं, विदेशों में काम करते रहते हैं, वो भी भारतीय नागरिक बने रहते हैं, ठीक है। फिर 11, अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगा, संसद कानून बनाती रहेगी। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब बात आती है, देखिए कि आपके ये आर्टिकल आप लोगों को याद हो गए होंगे, फिर से एक बार मैं बता देता हूं आपको। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। और अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई स्वेच्छा से ले लेता है, अपनी मर्जी से लेता है, उस व्यक्तियों का नागरिक भारत का नागरिक ना होना, उनकी नागरिकता की खत्म की बात की। अनुच्छेद 10 ए नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, ठीक है। पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्ति अनुच्छेद 6 में संविधान के प्रारंभ से पहले भारत पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का उपबंध किया गया है, और पाकिस्तान को जो प्रवास करने वाले व्यक्ति अनुच्छेद 7 में उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रवास कर गए थे, किंतु बाद में वो भारत लौट आए थे, उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम देखिए भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की बात करें, क्योंकि भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के अनेक व्यक्ति जो आप सभी जानते हैं कि रोजगार के लिए अन्यथा और किसी काम के लिए विदेशों में रह रहे हैं या वहां प्रवास कर रहे हैं, तो संविधान निर्माताओं ने ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों की रक्षा के लिए दूरदर्शिता से काम किया और संविधान में उपबंध भी किया। इसमें अनुच्छेद 8 आप लोग पढ़ते हैं ना, इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई, अथवा पितामह या पितामही या मातामही या मातामही से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा है, जो भारत के बाहर किसी देश में सामान्यतः निवास कर रहा है, उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, बशर्ते उसके उसने भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए विहित प्रारूप के उस देश में भारत के राजनयिक या कौंसिल प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से या फिर आप देखिए उसके पश्चात आवेदन किया हो, या नागरिक इस तरह से बने रहेंगे। तो ये भी आप लोग रहिए, और किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर लेते हैं तो आपको बता चुका हूं कि वो एक तरह से आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
कुछ आपके देखिए नागरिकता से संबंधित कुछ आपके देखिए क्या रहा है, अधिनियम भी आए हुए। एक तो है 55 नागरिकता अधिनियम 1955, संविधान लागू होने के बाद अर्जन और समाप्ति के बारे में उपबंध करता है, ठीक है। इसमें कई बार संशोधन भी किया गया है। नागरिकता संशोधन 1957 में हुआ, 1960 में हुआ, 85 में हुआ, 86 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2015 में हुआ, आपने देखा है 2019 में भी हुआ है। और मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 से भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की गई है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के 2003 के द्वारा निरस्त भी कर दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 11 के अनुसार अगर आप लोग पढ़ें तो संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया था, और इस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन और यानी कि समाप्ति के की व्यवस्था की गई थी, और संविधान के प्रारंभ के बाद नागरिकता के अधिकारों से संबंधित सभी मामलों का निपटारा इसके उपबंध के अनुसार किया जाता है। 1955 के नागरिकता की प्राप्ति की बात करें तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आप देखिए कि जन्म से, एक तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने के यानी कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक समझा जाएगा। कुछ अपवाद हैं जैसे राजनयिक हैं या शत्रु विदेशियों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, यानी कि जो विदेशी रह रहे हैं हमारे यहाँ राजनयिक के रूप में वो नहीं समझे जाएंगे, वैसे सभी समझे जाएंगे, ठीक है। जिनका एक तरह से जिनके माता पिता का संबंध भारत से है, ठीक है, और रक्त संबंधी या वंशाधिकार से 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति कतिपय अपेक्षा के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसकी माता पिता भारत का नागरिक था। अब आप सोचिए कि आप बाहर घूमने गए हुए, अगर कोई जोड़ी जोड़ा अगर कोई बाहर घूमने जाता है किसी देश में, उसका बाहर के ही जन्म हो जाता है उस बच्चे का, तो वो भी तो टेंशन रहेगी कि किस देश का नागरिक समझा जाएगा, क्या जिस देश में उसका जन्म हुआ वहां का नागरिक समझा जाएगा। नहीं, अगर भारत के में उसके माता पिता कोई नागरिक है तो आप देखिए वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। और आप देखिए पंजीकरण के द्वारा भी हम लोग नागरिकता कोई हासिल कर सकता है अगर भारत की चाहे तो। ऐसे व्यक्ति जो 26 जुलाई 1947 के बाद पाकिस्तान से आए हैं उस दशा में भारतीय नागरिक माने जाएंगे जब वे आवेदन पत्र देकर अपना नाम भारतीय नियुक्ति अधिकारी के पास नागरिकता के रजिस्टर में दर्ज करा सकें। ऐसे लोगों के लिए शर्त यह होगी कि आवेदन पत्र देने से पूर्व कम से कम 6 माह से भारत में रहते हों, या उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, तो ये लोग पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकते हैं। ऐसे भारतीय भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकते हैं जो विदेशों में जाकर बस गए और भारतीय दूतावासों में आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी स्त्रियां जिन्होंने भारतीय नागरिकों से विवाह कर लिया है आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी भारत के नागरिक होंगे। राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक यदि वे भारत में ही रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और सरकार परस्परता के आधार पर उपयुक्त प्रावधान भी कर सकती है। एक आप देखेंगे देशीयकरण के द्वारा भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। विदेशी नागरिक भी निम्न शर्तों के आधार पर अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में यह प्रावधान रखा गया कि वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से रोक दिए जाते हो, यानी कि हमने रोक दिया हो किसी देश से कि हम लोग यहाँ के लोगों को नागरिकता नहीं देंगे, ठीक है, वह अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर चुका हो और केंद्रीय सरकार द्वारा इस बात की सूचना दे दी गई हो, वह आवेदन देने से पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो, वह उपयुक्त 1 वर्ष से कम से कम पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रह चुका हो या फिर भारत सरकार की नौकरी में रह चुका हो, अथवा दोनों मिलाकर 7 वर्ष हो या किसी भी हालत में 4 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, वो भी एक तरह से भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। उसका आचरण अच्छा होना चाहिए। अब आप सोचिए कि कोई आतंकी फातंकी आ जाए, उपद्रवी आ जाए, भारत की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाए तो उसे भारत का नागरिकता नहीं देंगे हम लोग किसी भी हालत में। वह भारत की किसी प्रादेशिक भाषा या राजभाषा का अच्छा जानकार हो, और एक भूमि विस्तार को लेकर भी आप देखिए कि नागरिकता हो सकती है। अब मान लीजिए कि हमारा ये प्यारा भारत है, कल मान लीजिए हम लोगों ने पाकिस्तान को अपने अंडर में ले लिया, तो यहाँ के रहने वाले लोगों का क्या होगा, वो भारत के नागरिक होंगे या नहीं होंगे, तो इसी की बात हो रही है। इसी की ऐसा हो भी सकता है, देखिए कुछ भी हो सकता है। यदि किसी नवीन क्षेत्र यानी कि नए क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाए तो वहां की जनता को भारतीय
नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि 1961 तक गोवा हमारा हिस्सा नहीं था, पुर्तगालियों के अंडर में आता था। लेकिन 1961 में जैसे ही हमारे अंडर में गोवा शामिल होता है तो वहां की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई थी अपने आप। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ आपके भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम हुए हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। ये तो अभी हम लोगों ने 1955 का देख लिया है। एक भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में भी हुआ था। और ये क्या कहता है? ये कहता है आपका कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा जो व्यवस्था की गई है वह बहुत उदार थी, और जम्मू कश्मीर असम जैसे राज्यों में विदेशियों ने अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर इसका अनुचित लाभ भी उठाया। यानी कि कहने का मतलब है जो 1955 का अधिनियम आया हुआ था ये बहुत ही सरल था, और इसमें आसानी से लोग भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते थे। और आप देखिए कि असम हो, बाहरी देशों से असम में बहुत सारे लोग आ चुके थे, यहाँ असम की बात हो रही है, बांग्लादेश से हो, म्यांमार से हो, भूटान से हो, चाइना से हो, ठीक है, यहाँ से शरणार्थी और असम में आ जाते थे और असम की नागरिकता एक तरह से भारत की नागरिकता ले लेते थे। और बांग्लादेश, श्रीलंका, कुछ अफ्रीकी देशों से बड़ी संख्या में लोग गैर कानूनी तरीके से भारत में आने लगे थे। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों में परिवर्तन किया गया, और इसमें कुछ निम्नलिखित संशोधन भी किए गए। अब भारत में 1986 के अनुसार अगर हम बात करें तो अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक हो। यानी कि 1986 का जो संविधान संशोधन था, एक तरह से नागरिकता भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम था, उसमें कहा गया कि अब केवल भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक हो। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर भारत में किसी का जन्म होता है तो उसे नागरिकता तभी मिलेगी जब वह भारत का, उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उसे अब भारत में कम से कम 5 वर्ष निवास करना होगा। पहले यह अवधि आपने देखा होगा 6 महीने रखी गई थी, ठीक है। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। पहले आप सभी जानते कि यह अवधि 5 वर्ष रखी गई थी, ठीक है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर या असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा होने की बात हुई थी, ठीक है। फिर आता है आपका, देखिए, नागरिकता कानून में संशोधन होता है 1992 में। संसद में ने सर्वसम्मति से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया जिसके अंतर्गत व्यवस्था की गई कि भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारत की नागरिक है तो उसे भारत का नागरिकता प्राप्त होगी। और इससे पूर्व उस दिशा में भारत की नागरिकता प्राप्त होती थी यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो, परंतु अब नागरिकता के प्रसंग में बच्चे की माता को पिता के समकक्ष स्थिति प्रदान की गई है। आप सभी जानते हैं कि माता पिता दोनों, एक तरह से दोनों महिला हो पुरुष हो, दोनों बराबर स्थिति में है। और आजकल मुझे लगता है कि भेदभाव नहीं रहा है। आप देखिए, आपको जहाँ पुरुष नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ महिलाएं पहुँच जा रही हैं। हर क्षेत्र में आप देखिए महिलाओं की स्थिति बनी, एक तरह से बराबर की बनी हुई है। तो पहले क्या था कि आप देखिए कि अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में कहीं होता था, किसी और देश में, तो भारत का नागरिक तभी हो सकता था जब उसके पिता, पिता का संबंध भारत का नागरिक रहा हो उसका पिता। लेकिन अब माता को भी उसे, कि अगर किसी बच्चे का जन्म किसी दूसरे देश में होता है, अगर उसकी माता भारत की नागरिक है तो वो भी भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005 आता है, और भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता देने संबंधी भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, और इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद जाकर बसे भारतीय मूल के सभी नागरिक भारत की विदेशी नागरिकता प्राप्त करने की योग्य। देखिए यह साफ है, भारत की विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के योग्य होंगे, ठीक है। लेकिन ये आप देखिए पाकिस्तान हो या फिर आप देखिए कहा बांग्लादेश, इन दो देशों के को छोड़कर बाकी सभी देशों में किसी अपराध में लिप्त या संदिग्ध आचरण वाले प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता नहीं मिल सकती है। अब यानी कि कहने का मतलब ये भारतीय नागरिकता और भारत की विदेशी नागरिकता, दो तरह की नागरिकता बना दी गई है। दोहरी नागरिकता के आधार पर प्रवासी
मतदान में नहीं मतदान नहीं कर सकते, यानी कि ना तो वो चुनाव लड़ सकते हैं ना ही एक तरह से आपके ये क्यों है एक तरह से क्या सकते वोट डाल सकते हैं। लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा या विधान परिषद में चुनावों में भाग भी नहीं ले सकते और ना ही कोई संविधानिक पद जैसे राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो इसके जज के पद पर नियुक्त भी एक तरह से नियुक्त भी नहीं हो सकते हैं। ये भी आप लोग याद रखिए। अब बात आती है नागरिकता की समाप्ति की। अब आप देखिए नागरिकता तो बहुत लोगों ने ले ली, अब नागरिकता की समाप्ति का भी तो संविधान में कुछ प्रावधान रखना चाहिए। तो भारतीय नागरिकता का अंत कई तरह से हो सकता है। एक तो आपका पहला हो सकता है कि नागरिकता का परित्याग करने से। यदि मान लीजिए कि मैं हूं और अगर हम लोग किसी हम घोषणा कर देते हैं कि भारतीय नागरिकता की परित्याग की घोषणा करते हैं तो घोषणा विशेष अधिकार द्वारा पंजीकृत कर ली जाएगी और वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यदि हम चाहें कि हमें हम बोल लें कि हमें भारत का नागरिक नहीं रहना है तब की बात हो रही है, ठीक है, और कोई अधिकारी एक तरह से विशेष अधिकारी उसे डेट को लिख लेगा उस बात को लिख लेगा और वो हम भारत की नागरिकता हमारी हट जाएगी। एक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, मान लीजिए कि किसी ने अन्य देश की नागरिकता ले ली है तो वो स्वेच्छा से आप देखिए कि उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। यदि भारत का कोई नागरिक पंजीकरण देशीकरण या फिर अन्य किसी प्रकार से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। संघ सरकार द्वारा नागरिकता का अपहरण, भारत संघ सरकार अधोलिखित कारणों के आधार पर नागरिकता का अपहरण यानी कि ले सकती वापस ले सकती है। एक तो असत अभिलेख, यदि किसी व्यक्ति ने धोखा या गलत बयान देकर या आवश्यक बातों को छिपाकर नागरिकता प्राप्त कर ली है तो सही जानकारी प्राप्त होने पर उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। मान लीजिए कि कोई बाहरी व्यक्ति है उसने झूठे साक्ष्य या कोई गलत जानकारी देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है और कुछ समय के बाद सही जानकारी सामने आती है तो उस समय भी उसकी नागरिकता वापस ली जा सकती है, उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। एक आप देशद्रोह भी सुनते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने भारत के प्रति देशद्रोह किया है या युद्ध के समय शत्रु की सहायता की है किसी अन्य देश की तो उस समय भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ऐसे लोगों की भारत को जरूरत नहीं है। या दीर्घ फिरवास, यानी कि लंबे समय तक आप किसी देश में रह रहे हैं बिना बताए, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की अनुमति के बिना लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहे और विदेश के भारतीय दूतावास में अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखने की इच्छा से प्रतिवर्ष पंजीकरण भी ना कराए तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो ये भी अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखिएगा। संघ सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंत करे इसके पहले उसे अपने सफाई देने का पूरा अवसर भी दिया जाएगा उस व्यक्ति को। एक राष्ट्रमंडलीय नागरिकता भी आप लोग सुनते रहते हैं। नागरिकता अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिकों को भारत की राष्ट्रमंडलीय नागरिकता प्राप्त होगी और केंद्रीय सरकार पारस्परिकता के आधार पर राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकों को भारत नागरिकता के कुछ अधिकार भी प्रदान किए जा सकते हैं। नागरिकों को अगर हम लोग वैसे भारतीय जो नागरिक है नागरिकता हासिल किए हुए उनके विशेष अधिकारों की बात करें अगर हम लोग तो कई तरह के उन्हें अधिकार मिले हुए हैं। एक तो आप देखेंगे कि राज्य नागरिकों के बीच मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि कहने का मतलब समझ रहे हैं। अगर आप लोगों ने संविधान का भाग 3 पढ़ा होगा, आगे हम लोग जाकर पढ़ेंगे भी, अगर आप लोग भारतीय नागरिकता हासिल किए हुए भारतीय हैं आप लोग तो आपके साथ राज्य कोई भी राज्य नागरिकों के बीच मूल वंश हो जाति हो लिंग हो जन्म के स्थान पर हो कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 कहता है आपसे। राज्य द्वारा प्रदत्त नौकरियों के विषय में अवसर की समानता की बात करता है 16 अनुच्छेद कहता है। अनुच्छेद 19 में आप देखेंगे आपको कुछ स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा संघ या फिर भ्रमण आवास सभा पेशे की स्वतंत्रता, ये सवाल सभी भारतीयों की मिली हुई है। अनुच्छेद 29 और 30 द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार मिले हुए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राज्यपाल महान्यायवादी महाधिवक्ता पद पर केवल नागरिकता नागरिकों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अगर आप भारतीय नागरिकता लिए हुए तभी आप लोग इन पदों पर जा सकते हैं। केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडलों के प्रतिनिधियों के चुनने का मताधिकार, इन संस्थाओं के सदस्य बनने का अधिकार,
केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए। यानी कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, विधान परिषद का चुनाव लड़ना है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो इसके लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए। और अगर आपको वोट भी डालना है तब भी भारतीय नागरिक होना चाहिए। और भारत में इन अधिकारों के साथ आपके नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। यानी कि कुछ आपको अधिकार भी दिए गए तो कुछ कर्तव्य भी है आपके। एक आप लोगों ने सुना होगा PIO के बारे में, ए पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर आप लोगों ने OCI के बारे में सुना होगा। सुना है कि नहीं, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आपको बता दूं, भारत सरकार ने पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन यानी कि PIO कार्ड स्कीम को अगस्त 2002 में संशोधित किया था। आप लोग कहते रहते हैं ना कि PIO कार्ड, कई बार ये चर्चा में बन रहता है, जिसका उद्देश्य होता है कि अपनी जड़ों की ओर लौटने को अधिक सरल, आसान, लचीला, पूर्ण रूप से समस्याओं से मुक्त बनाना। और PIO स्कीम 1999 में शुरू की गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग देखें PIO कार्ड के लिए पात्रता क्या होती है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कभी भी भारतीय पासपोर्ट का धारक रहा हो, या उसके माता पिता या पितामह या पितामह या प्रमातामह का जन्म 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित भारत या उन अन्य क्षेत्रों में हुआ है जो उसके बाद भारत के अंग बने, वह वहां का स्थायी रूप से रहा हो, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक के उपयोग या उपयुक्त उल्लिखित भारतीय मूल के व्यक्ति का पति या पत्नी हो। यह योजना बहुत व्यापक है क्योंकि यह चार पीढ़ियों से संबंध रखती है और साथ ही भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति के विदेशी जीवन साथी का भी ध्यान रखती है। कौन? PIO कार्ड की बात हो रही। और इसकी PIO कार्ड की वैधता कितनी रहती है? अगर कोई PIO कार्ड स्कीम ले लेता है या इसमें आ जाता है तो एक PIO कार्ड जारी किए जाने की तिथि से 15 वर्षों तक वैध माना जाएगा। इसकी मान्यता 15 वर्षों तक रहेगी, लेकिन एक शर्त भी इसके साथ जोड़ी गई है, आवेदक के पासपोर्ट की वैधता सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन और PIO कार्ड के लिए कुछ इसमें एक तरह से आप देखिए फीस भी रखी गई है, तो बदलती रहती है। अब आपके मन में एक और सवाल आता है, PIO यानी कि पर्संस ऑफ इंडियन और इंडियन ओरिजिन, इसके लाभ क्या होते हैं PIO कार्ड के? तो भारत की यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई PIO कार्ड ले लेता है तो उसे भारत की यात्रा करना है तो उसे वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। भारत में के कॉलेज हैं, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इसमें प्रवेश पाने के लिए या रोजगार अवसर का लाभ उठाने के लिए अलग से छात्र वीजा, या फिर आप देखिए कि जो आपका छात्र वीजा हो, या फिर आप देखिए या रोजगार वीजा हो, इसे भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर जो PIO कार्ड लिए हुए। यदि कोई PIO कार्ड धारक अपनी किसी एक भारत यात्रा के दौरान अगर 180 दिन से अधिक नहीं ठहरता तो उसे पंजीकरण कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यदि कोई PIO कार्ड धारक अपनी किसी एक भारत यात्रा के दौरान 180 दिन से अधिक ठहरता है, वो भारत में रुकता है, तो उस स्थिति में उसे 180 दिनों की समय सीमा की समाप्ति के पूर्व ही संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, विदेशी पंजीकरण अधिकारी के यहाँ अपना पंजीकरण कराना होगा। 180 दिन तक तो उसे छूट मिली हुई है। PIO कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है, ये भी आप लोग याद रखें। PIO कार्ड को आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्रों में वही सुविधाएं प्राप्त होंगी जो अनिवासी भारतीयों को मिलती है, NRI को मिलती है। जो अब बात कर लेते हैं OCI कार्ड की, जैसे आप लोग ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहते हैं, तो OCI प्राप्त व्यक्तियों को आजीवन वीजा मुक्त भारत यात्रा की सुविधा मिलती है। उसमें आप देखिए कि आपके कितना 15 वर्षों तक मान्य था, और इसमें आप देखिए कि वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, 180 दिन तक आप सोच सकते हैं। लेकिन इसमें OCI कार्ड अगर आप लोगों ने प्राप्त कर लिया है तो आजीवन आपको वीजा मुक्त भारत यात्रा की सुविधा मिलेगी। ठीक है, और यदि PIO कार्ड धारक अपनी किसी भी भारत यात्रा के दौरान 180 दिनों से अधिक ठहरता है तो इसे स्थानीय पुलिस अधिकारी के यहाँ अपना पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती थी। लेकिन अगर OCI प्राप्त व्यक्ति को ऐसा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, चाहे वह जितने भी दिनों के लिए भारत में रहे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये रही है भारत की नागरिकता के बारे में।
और ओसीआई और पीआईओ कार्ड के बारे में। और मुझे लगता है कि अगर आपसे संविधान के भाग दो से यानी कि आपका नागरिकता से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उनका आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। तो ये रहा है संविधान का भाग दो नागरिकता के बारे में। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे संविधान के भाग तीन में मूल अधिकार के बारे में। और आप लोग पुरानी क्वेश्चंस पेपर अपनी परीक्षाओं में उठा के देखिए, हर परीक्षा में आपके मूल अधिकार से यानी कि मौलिक अधिकारों से क्वेश्चंस आते रहे और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं, आप लोग एंजॉय करिएगा, पढ़ते रहिएगा।